यूज करते हैं। आजकल जो ब्राह्मण आ रही है ना बाबा के बच्चे, वो भी दिमाग से ज्यादा यूज करते हैं, बहन जी मेरा बच्चा पास हो जाए हम भोग लगवाओगे। अच्छा, पहले स्वार्थ रखा, पीछे बाबा रखा, जैसे भक्ति मार्ग में करते थे ना, बड़े नाच से कहते हैं हम बिना दिया भक्ति करे पूजा पाठ किए बिना बहन जी जल भी ग्रहण नहीं करते। अब उनका पूजा पाठ का तरीका क्या होता है, हाथ में दो अगरबत्ती होती है, हाथ में माचिस होती है, भगवान जी के सामने बैठे दिया जला करके, जो भी उनके इष्टदेव देवियां हैं, आंख बंद करके भगवान मेरे पति का धंधा अच्छा चले, मेरे बच्चे सही मार्ग पे चले, मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरी सास की तबीयत ठीक कर देना, मैं पकड़ दो अगरबत्ती। ब्राह्मण बच्चे भी क्या, या तो योग में इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता। जब मन भटकता है तो योग बोरिंग लगता है, वरना योग जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कुछ है नहीं, जिसमें आत्मा भगवान से मिलन करती है, रूढ़ियान करती है, बातें करती है, परमात्मा को निहारती है, उसके वाइब्रेशन लेती है, उसकी ब्लेसिंग लेती है, इससे अच्छी वो कौन सी, इससे शुभ घड़िया लाइफ में कोई दूसरी होगी नहीं होगी। लेकिन या तो हम करते नहीं, और जब करके बैठते हैं तो कामनाओं की इतनी लंबी लिस्ट लेकर रहते हैं, हाँ बाबा बस शुरू हो जाएंगे, ठीक है वो भी कीजिए, हमें मिला है तो हम उससे बेनिफिट लेंगे, कीजिए, पर कुछ क्षण तो ऐसे निकालिए, कुछ समय तो ऐसा निकालिए जब मैं उसके प्रेम में मगन हो जाऊं, जिसमें एक दिन के जितनी भी मार्जिन ना हो, जिसमें ना कोई इच्छा हो, ना स्वार्थ हो, ना कामना हो, केवल एक तरफ हो, उसे निहारने की, उसे प्यार करने की, उसकी कुछ सुनने की, अपनी कुछ सुनाने की, कुछ अपने को जानने की, कुछ उसको जानने की, कुछ वक्त तो ऐसा निकालिए ना जब केवल लव में लीन हो हम, कुछ भी ना हो बीच में, कुछ भी नहीं, ना कोई विकल्प, ना कोई संकल्प, केवल तू मैं तू। ये लवलीन वाली स्थिति भले ही 15 मिनट की हो, पर ये जो ताकत देती है आत्मा को, जो ये दिल को भरती है, जो ये प्यास बुझाती है जन्म जन्म की संबंधित, तो बांधना तो है, दिल की रस्सी भी है और भगवान का वायदा भी है। आज यदि कोई भी आपके मन में चिंता है, टेंशन है, बोझ है, या कोई शुभ इच्छा है, शुभ संकल्प है, कभी कभी क्या होती है, इच्छा बड़ी शुभ होती है, अगर वो पूरी ना हो तो उसकी भी टेंशन, इच्छा बड़ी शुभ है परंतु पूर्ण नहीं हो रही, संकल्प बहुत बेस्ट है परंतु पूर्ण नहीं हो रहा, तो उसकी भी क्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है। तो आज जितने भी बोझ है आपके मन पर, इस भट्टी की शुरुआत से पूरे विश्वास के साथ, पूरी भावना के साथ ऊपर वाले को सौंप लो, सौंप के देखिए, सौंप को देखिए कैसा फील होता है, लेकिन विश्वास के साथ सौंप दीजिए, क्योंकि उसने वादा किया